सब so ट्यूटोरियल मैं हूं सतीश और करंट अफेयर अपकमिंग जेके एग्जाम बेसिकली होंगे क्योंकि आपके सितंबर में हेरिंग जो है वो होने वाली है लेकिन मैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इस पर्टिकुलर टाइम पे आई कैन अंडरस्टैंड यूर पेन बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो मतलब टाइम निकलता जा रहा है एंड उन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे उनको क्या करें पूरा सिस्टम बिखर चुका है और बिल्कुल डिप्रेस्ड है अगर आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा आपको जो भी सवाल होंगे आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं आई एम अ सकोलॉजिस्ट लास्ट तीन साल मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई भी है और मैंने काउंसलिंग भी करी है ओके तो अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है कुछ समझ नहीं आ रहा है आप स्टक हो गए हो कि मुझे क्या करना चाहिए अब या मुझे किसी अलग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना चाहिए या मुझे यहीं पे रहना चाहिए तो आपके कोई भी किसी भी तरह के सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं जानने के लिए आपको करना क्या आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप नंबर है सेवन डबल ज़ीरो सिक्स डबल थ्री टू सेवन टू फोर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है अब इसमें मैसेज करना उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे मैं क्लियर कर दूंगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज के लेक्चर के अगर पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज हैज बीन बिकम द यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर इन स्पेस एक्स स्पेस एक्स जो है ये आप सभी को पता है ये किसकी कंपनी है ये इलॉन मस्क की कंपनी है सॉरी लॉन मस्क की कंपनी है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ाम में आया भी हुआ है ठीक है स्पेसक्स हो गया बोरिंग कंपनी होगी उसके बाद टेक्सला uh, होगी तो ये सारी अब इवन ट्यूटर भी उन्होंने खरीद लिया है तो ये सारी कंपनीज जो हैं है? है। ये किस हैं स्पेस की हैं अब क्वेश्चन ये पूछा गया सॉरी स्पेस एक्स नहीं इलॉन मस्क की हैं तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्पेस जो कंपनी है वो उसमें जो यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बने हैं तो इसका जो आंसर uh, है दैट इज़ करीन काजी आंसर है करीन काजी ये बेसिकली बांग्लादेशी अमेरिकन है और ये चौदह साल के हैं ये यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जिनको जॉब मिली है स्पेसेक्स में और इन्होंने बैचलर डिग्री जो है वो कहाँ से लिया है सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से लिया है ओके चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाई अप करा है किसके साथ ए के साथ मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ठीक है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ टाई अप करा है किसके लिए ताकि प्रमोट कर सके हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस फॉर विच स्टेट मतलब कौन सी स्टेट की हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस को हॉर्टिकल्चर पता है ना आप लोगों को ठीक है हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ टाइप करा है ठीक है तो किस स्टेट की हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट के लिए प्रमोशन के लिए दैट इज हिमाचल प्रदेश क्या आंसर है हिमाचल प्रदेश और कितने कितने का लोन लिया है एशियन बैंक से एशियन डेवलपमेंट बैंक से 130 मिलियन डॉलर्स का ओके okay? क्लियर है अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी स्पेस एजेंसी ने कौन सी स्पेस एजेंसी के रिसर्चर्स ने कंडक्ट करा है क्या फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट कौन सी स्पेस एजेंसी रिसर्च ने कंडक्ट करा है रिसर्चर्स ने कंडक्ट करा है तो इसका जो आंसर है दैट इज ई एस एस ए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ओके okay, क्लियर है अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली कौन सी स्टेट में आर का सब ऑफिस ओपन हुआ है ठीक है कौन सी स्टेट में आरबीआई का सब ऑफिस ओपन हुआ है तो इसका जो आंसर है दैट इज नागालैंड कहां पे हुआ है नागालैंड में और नागालैंड कहाँ कोहिमा जो कि कैपिटल है किसकी नागालैंड की अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब ने फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव जो है वो कहाँ पे इनेगरेट करा है ओके okay, कहाँ पे इनाइगोरेट करा है तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू डेली क्या आंसर है न्यू डेली right. अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ बी एस एफ किनको अपॉइंट किया गया है मतलब कौन अपॉइंट हुए हैं एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ बी एस एफ तो इसका जो आंसर है दैट इज नितिन अग्रवाल क्या आंसर है नितिन अग्रवाल और ये 1989 के आईपीएस बैच के ऑफिसर हैं रला कार्डर के ओके अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल फोर्ब्स ग्लोबल 2000 टॉप कंपनी लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का क्या रैंक है ठीक है फोर्ब्स जो कि uh, जो कि रैंकिंग्स निकालती है चाहे वो बिलियनर्स की हो की हो उसके बाद टॉप uh, लेवल की कंपनीज की हो तो उसी में बोला हुआ है कि फॉर्ब्स ग्लोबल 20 uh, 2000 टॉप कंपनीज लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कौन से रैंक पे आती है तो इसका जो आंसर है दैट इज फिफ्थ क्या आंसर है 40 45 ओके okay. तो बिलिनियर मुकेश अंबानी की जो इंडस्ट्री है सॉरी रिलायंस इंडस्ट्री है वो रैंक ऑन फिफ्थ इन द लिस्ट ऑफ 2000 टॉप कंपनी लिस्ट में टोकी निकाली है किसने फोब्स ने ठीक है और ये सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है किसी भी इंडियन कंपनी की क्लियर है अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसेंटली चेयरमैन जो है सिलेक्शन कमेटी ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के उन्होंने रिजाइन करा है अपनी पोस्ट से तो बताइए उनका नाम क्या है इन शॉर्ट आपको यह पूछा गया है कि जो सिलेक्शन कमेटी के सिलेक्शन कमेटी किसके एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के, के चेयरमैन जो है उन्होंने रिजाइन दिया है उनका नाम क्या है यह पूछा गया है. तो इनका जो नाम है दैट इज गुरबचन सिंह रंधावा क्या गुरबचन सिंह रंधावा अब बेसिकली इन्होंने गोल्ड जीता था 1962 एशियन गेम्स में और वहीं पे अगर हम बात करें तो इन्होंने फिफ्थ पोजीशन जो थी 1964 के ओलंपिक में 110 मीटर की हर्डल रेस में इनका फिफ्थ पोजीशन था ओके okay? अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट या यूटी है रिसेंटली जिसे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स मतलब रिलीज किया गया है ठीक है सॉरी क्वेश्चन में पूछा ये बोला गया कि कौन सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने रिसेंटली रिलीज करी है क्या डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स तो इसका जो आंसर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश क्या आंसर है अरुणाचल प्रदेश अगला जो क्वेश्चन है है पूछा गया कि इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज शिप एमबी एक्सप्रेस कौन सी कंट्री के लिए फ्लैग ऑफ हुआ है रवाना हुआ है तो इसका जो आंसर है वो आप करोगे कमेंट सेक्शन में ओके okay, बाकी आपको मैंने बता दिया इफ यू वॉन्ट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इशूज एंड uh, आप डिप्रेस्ड हो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे सेवन डबल जीरो सिक्स डबल थ्री टू सेवन टू फोर पे ओके एंड आई विल क्लियर यूअर एवरी प्रॉब्लम बिलीव मी ऑल राइट थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय